Thank you guys. You know, love you, Jeffrey. Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. Hey guys, ये vlog मैं जो shoot कर रहा हूँ आज मैं इस time देहरादून में हूँ और हमने यहीं एक होटल था हिम प्लेस, तो वहीं पर रूम लिया हुआ है। तो गाइस अब मैं यहाँ को आपके बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, क्योंकि बाहर एकदम जस्ट नाउ में यहाँ पर रोड चल रही है और बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। सुबह के इस टाइम 8 बज चुके हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ का बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। गाइस देखिए यहाँ का बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए गाइस रोड चल रही है और ये सारे रूम वगैरह बने हुए हैं। गाइस उनका व्यू है देहरादून का। गाइस अब मैं आपको इसके बैक कैमरे से दिखाऊंगा कि बाहर में कैसा व्यू आ रहा है इस होटल से। देखिए गाइस मॉर्निंग व्यू यहाँ का, नीचे इधर भी रोड चल रही है और इधर ये देखिए कितना अच्छा व्यू यहाँ का आ रहा है। देखिए गाइस इधर भी ये रोड है और इधर कुछ रूम वगैरह बने हुए हैं इस होटल के। गाइस देखिए और आगे हम थोड़ी देर में भी जाने वाले हैं घूमने के लिए, तो उसमें भी आपको दिखाते रहेंगे। तो चलते हैं गाइस फिर से अपने रूम में, क्योंकि तो बाहर बहुत ठंडी लग रही है सुबह सुबह का मौसम है अभी। और थोड़ी देर में आप चलेंगे, आपको दिखाएंगे बाहर का व्यू रोड का और जहाँ पर हम जाएंगे वहाँ का आपको इसमें ब्लॉग में दिखाते रहेंगे कि आज हम किस जगह पर घूमेंगे। आप इस ब्लॉग में देख सकते हैं गाइस, ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। गाइस देखते रहें इस ब्लॉग को आप एंड तक, चलते हैं आगे, फिर आगे का भी आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे। गाइस गाइस अभी देहरादून में इंदिरा मार्केट में यहाँ पर हम शॉपिंग कर रहे हैं और बाजार यहाँ पर ऐसा बन रहा है। देखिए आप इधर भी और आप इधर का व्यू देख सकते हैं और ये देखिए और गाइस ये इधर सामने प्लेट ग्राउंड चौक है, इधर देख सकते हैं आप। यहाँ आइए कभी देहरादून में, यहाँ आकर जरूर शॉपिंग कीजिएगा और हमारे भाई साहब से बात करिए। देखिए थोड़ा सा आपको बताएंगे यहाँ के बारे में। हेलो सर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो ये देहरादून का इंदिरा मार्केट है, यहाँ पे आप लोग को सारा प्राइस, ये प्रदीप कुमार हमारे भाई साहब हैं। तो ये है देहरादून का इंदिरा मार्केट, यहाँ पे आपको सब प्राइस रिजनेबल मिलेगा और यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सब कुछ मिलता है, गर्म कपड़े, कोई भी कपड़ा या फिर फैशनेबल चीज़ें आपको ख़रीदनी हो तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आप शॉपिंग के लिए अच्छा है देहरादून, इंदिरा मार्केट है, एक पल्टन बाज़ार है। पल्टन बाज़ार की वीडियो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन ये इंदिरा मार्केट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए यहाँ के दुकान वालों से बात करते हैं थोड़ी सी, यहाँ पर प्राइस कैसा है क्या है आपको दिखाते हैं सब सारी चीज़ें। तो ये भाई साहब है हमारे, इनसे हमने शॉपिंग की है, तो आप इनसे बताएँ हमने यहाँ पे रिजनेबल प्राइस में। हाँ सर, तो आप कपड़ों का आपका व्यापार है, तो यहाँ पे रिजनेबल प्राइस में आपने अभी जो कपड़े मतलब हमें दिए हैं बहुत सस्ते में दिए हैं, तो प्राइस बहुत सस्ता है। आप कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर से क्या बताएं? अपना रिजनेबल रेट अपने लोगों के लिए तो है। अच्छा, तो ये बाजार देहरादून में कहाँ पड़ता है आप बताएंगे? ये डाउन चौक परेड ग्राउंड जिंदाबाद। तो आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर से कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब रिजनेबल प्राइस मतलब बहुत सस्ता है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं इंसान? इंदिरा मार्केट में ये है, आप किसी भी शॉप पे जाते हो, देखो यहाँ है कंपटीशन में रिजनेबल रेट बिल्कुल ही है। यहाँ 150 रुपये के पीछे चीज़ दे देते हैं बिल्कुल ही, कि हाँ ये है 100 रुपये मिल रही है, 50 रुपये मिल रहे हैं, 100 तो हम दे देते हैं चीज़ को। बस कभी कभी ऐसा होता है रेट वेट भी देनी पड़ती है, क्योंकि जीन्स का रेट यहाँ पे आप कितने में देते हैं? लगभग 600 रुपये में जीन्स दे देते हैं। तो आप जैसे गर्म कपड़े हैं आपके में, जैसे हमने भी आपसे शॉपिंग की है, तो भाई व्यूअर्स हमने अभी यहाँ पे शॉपिंग की थी तो इन्होंने हमें बहुत सस्ते में दिया, तो आप लोग यहाँ पे आके मार्केटिंग कर सकते हैं। ये शॉप वाले भैया आप नाम बताएंगे? हमें विनय सोनी, विनय सोनी जी से हम बात कर रहे हैं। तो
ये जैकेट वैकेट है, आप ये गर्म कपड़े कहाँ से मतलब प्रोवाइड होते हैं? दिल्ली, क्या कहते हैं, लुधियाना, गुजरात, बहुत जगह से, मुंबई वहाँ से बहुत जगह से आते हैं, बाकी तो अभी लोकली ले रहे हैं। चलिए, हमारे व्यूअर्स कुछ कहना चाहेंगे आप? बस जो कहना के लिए कह दिया, बस शॉपिंग आए, देहरादून आए, घूमें और शॉपिंग करें, इंदिरा मार्केट में घूमें, मार्केट देखें। तो आप बिना सुनी के यहाँ से, आप यहाँ से शॉपिंग करें, बहुत सस्ते में हमने कपड़े लिए यहाँ पे। तो ये हमारे एक थोड़ा सा इनकी शॉप है यहाँ पे बिना सुनी जी की, तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी दुकान है, यहाँ से हमने भी ली है। ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, पटन बाजार। ओके तो गाइज, हम जा रहे हैं रोवर्स कैप और आगे आपको रोवर्स कैप का व्यू दिखाने वाले हैं। तो हमारे भाई साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं गाड़ी में, तो हम ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप कृपया उनसे थोड़ा बातचीत करिए, आगे आपको व्यू दिखाते रहेंगे इस ब्लॉग में। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। चलिए बात करते हैं रोवर्स कैप की। ये गड़ी कैंट से रास्ता जाता है यहाँ से, तो आपको हम पूरा व्यू दिखाएंगे इसका। ये कैंट है और हम लोग जा रहे हैं अभी रोवर्स कैप, तो आपको पूरा व्यू मिलेगा आपको। ये देखिए, ये रास्ता है, तो ये रास्ता है हमारा, हम लोग गुच्छू पानी जा रहे हैं। इसको, इसका नाम असल में रॉबर्ट्स केव है, जो अंग्रेजों ने बनाया था, और इसको बोलते हैं यहाँ पे गुच्छू पानी। ठीक है, तो गाइज, तो आप देखते रहें रास्ता। ये कैंट से होकर जाता है यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास, राज्यपाल भवन, सब मिलेगा आपको, तो आप रास्ते का थोड़ा सा एंजॉय करिए। आर्मी कॉलोनी के साथ आप देख सकते हैं, आर्मी कॉलोनी चल रही है। अब हम थोड़ा गुच्छू पानी पहुंचने वाले हैं। ये पेड़ का आप देख सकते हैं कैसी गुफा सी बननी है, केव टाइप का, यहाँ से केव स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पूरा टोटल आप यहाँ पे घूमने आए, और आप यहाँ देख सकते हैं 72 पंजाब, पंजाबी रहते हैं यहाँ पे, यहाँ पे पंजाब रेजिमेंट है, यहाँ देख सकते हैं। और ये गुच्छू पानी का रास्ता गया, यहाँ पे तुरंत आपको रास्ता मिलेगा यही लेफ्ट में। ये देखिए, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे यहाँ से बाय लेना है हम लोग को। यहाँ पे वाइन शॉप भी है, यहाँ से हम लोग लेफ्ट जाएंगे, और देख सकते हैं आप रास्ते का पूरा। आपको यहाँ पे आने पे जो मजा मिलेगा, जो एंजॉय मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पहाड़ है यहाँ पे, जो पहाड़ काट करके जो रास्ते बनाए गए हैं, ये एकदम नीचे गया है, यहाँ देख सकते हैं ये पहाड़ों का पूरा, ये पहाड़ों की बिल्कुल तराई में है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बना हुआ है ये, आप देख सकते हैं रास्ता कैसा है। और बहुत ही खतरनाक रास्ते से होते हुए हम लोग कुछ पानी की तरफ प्रस्थान करेंगे। घर देख सकते हैं आप कैसे बने हुए हैं, आपको रास्ता आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे आए अपने परिवार के साथ, पूरा आपको एकदम एंजॉय मिलता है। वैसे तो यहाँ पे आने का जो समय होता है वो आपका होता है अप्रैल, मई और जून, तो यहाँ पे जो झरना होता है वो आपको पूरा पूरा भी दिखाएंगे इसका। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए कितनी खतरनाक मोड़ है, वो रास्ते का आप एंजॉय लीजिए। रॉबर्ट्स केव जो बनी हुई थी अंग्रेजों ने बनाई थी, जैसे जब हम लोग रुड़की से देहरादून आते हैं तो वहाँ पे एक टनल बनी हुई है, वो भी अंग्रेजों की बनाई हुई है, देहरादून स्टेशन बनाया था वो भी अंग्रेजों ने बनाया था। ये देखिए मोड़, खतरनाक मोड़ है यहाँ पे, ये एकदम लोग पहाड़ों के बिल्कुल बीच में जाते हुए, एकदम चारों तरफ पहाड़ है इसके बच्चू पानी के, इसको बच्चू पानी रॉबर्ट्स केव लोकल भाषा में इसे बच्चू पानी बोलते हैं। पूरा आपको देखने को मिलेगा, ये प्रदीप है गाड़ी चला रहे हैं हमारी। ये देखिए यहाँ पे घर बने हुए हैं एकदम बढ़िया से, ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, एकदम आप यहाँ पे आने का पूरा एंजॉय ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, ये देखिए गुच्छू पानी लिखा हुआ है, ये सामने लिखा हुआ है रॉबर्ट्स केव गुच्छू पानी, ये दो रास्ते ये लिखा हुआ है, दोनों नाम है इसके। ये पार्किंग आपको मिलेगी यहाँ पे, थोड़ा रास्ता थोड़ा सा छोटा है यहाँ पे, घर देख सकते हैं कैसे बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत सुंदरता के साथ इन्होंने अपने मकान को डेकोरेट किया है, बहुत सुंदर दृश्य है। अपने फैमिली के साथ आप यहाँ पे आए। अभी ये देखिए पार्किंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्किंग का हम पैसा देंगे। हाँ भैया, ये पार्किंग यहाँ पे जो पार्किंग होती है, ये गुच्छू पानी है, पार्किंग का यहाँ पे पैसा कितना लगता है? यहाँ पे 40 रुपए लगता है, वीकेंड का कुछ है वही सेम रेट है, आप वीकेंड पे भी आ सकते हैं। 40 रुपए पार्किंग है यहाँ पे, यहाँ पे आपको पर्ची मिलेगी 40 रुपए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पर्ची कटा ली, अब हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ों के बीच में सुंदर दृश्य के साथ, आप देख सकते हैं बिल्कुल, और ये हमारी पार्किंग है, यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करेंगे और देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है, एकदम बहुत ही सुंदर, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ये जगह पड़ती है। यहाँ पे पार्किंग का काम चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग, आराम से अपनी फैमिली के साथ आइए। तो दोस्तों देखिए, हम लोग उतर गए हैं यहाँ पे,
ये गाड़ी से हम लोग उतर गए। ये देखिए सुंदर नज़ारा एकदम यहाँ पे। आगे आपको व्लॉग प्रदीप कुमार लीड करेंगे। अब ये व्लॉग आप देख चुके हैं लेकिन अब प्रदीप कुमार लीड करेंगे झरने के साथ। तो आप प्रदीप कुमार से बात करिए, लीड करेंगे प्रदीप कुमार। चलिए मिलते हैं प्रदीप कुमार जी से। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, ठंड का तो मौसम हो ही रहा है इस टाइम, फिर भी कोई नहीं, हम आ ही गए घूमने के लिए और यहाँ पर रोबर्ट्स कैब में, क्योंकि तो भाई साहब कह रहे थे कि चलो ठंड में ही चलते हैं, कोई नहीं एक बार घूमे आएंगे, क्योंकि मैं काफ़ी बार पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पर। और यहाँ से जो आगे पहाड़ों के बीच में से पानी आता है, वो पानी यहाँ ही से गुजर के जाता है, देख सकते हैं आप गाइस। इस टाइम पानी काफ़ी कम है क्योंकि सर्दी का मौसम है, बरसात के मौसम में यहाँ पर पानी ज़्यादा आ जाता है। तो गाइस, यहाँ पर काफ़ी गाड़ियों की पार्किंग का व्यवस्था बना दी गई है। जब पहले यहाँ कोई व्यवस्था ऐसी पार्किंग की नहीं थी तब मैं पहले आया था, अब काफ़ी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था इन लोगों ने कर दी गई है पार्किंग की भी। और यहाँ से हम आगे जाने के लिए स्लीपर वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पर स्लीपर रखे हुए हैं। और गाड़ी हमने अपनी पार्क कर दी है उधर दूसरी साइड, और अब आगे चलते हैं। हम आपको आगे का व्यू इस ब्लॉग में दिखाते रहेंगे गाइस। तो गाइस, आप देखते रहे ये ब्लॉग हमारा। देखिए यहाँ पर ये स्लीपर रखी हुई है आगे जाने के लिए पानी में। तो यहाँ की कुछ शॉप वगैरह ऐसी हैं, काफ़ी शॉप हैं यहाँ पर फास्ट फूड वगैरह की। और इधर ये भूत बंगला है, भूत हाउस। और आगे ये आपको स्टेट में एकदम से यहीं जाने का रास्ता है। और इधर ये पानी का झरना इधर बह ही रहा है, और इधर कुछ पहाड़ी है सामने। देखिए गाइस, इधर का व्यू कुछ ऐसा है। हम लोग अब यहाँ से चल रहे हैं क्योंकि आगे जाने का मौसम इतना खास नहीं हो पा रहा है, आगे हम गए नहीं है, पानी कम है और फिर ठंडी का मौसम हो रहा है, सर्दी वैसी लग रही है इधर। तो अब गाइस चलते हैं आगे और आगे का व्यू आपको दिखाते रहेंगे अपने। ये लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बहुत अच्छा आपको जगह जगह व्यू दिखाया। नेक्स्ट हमारा बनेगा सिलीगुड़ी का, उसके बाद हम लोग जाएंगे तमिलनाडु, आपको सब जगह का पूरा व्यू दिखाएंगे और बिल्कुल सस्ते में एकदम आपको सब टोटल बताएंगे। ओके गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय।